इच्छा थी कि इंडी गठबंधन का वर्चुअल मीटिंग होना था, उसमें कन्वेनर बनना था नीतीश कुमार जी को, ये बातें सार्वजनिक हो चुकी थी। लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ नहीं हुआ, संजय झा जी का बयान आया कि उनको ऑफर मिला लेकिन उन्होंने, नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया, कहा कि नहीं मुझे नहीं कन्वेनर बनना है। देखिए ऐसे अंदर में क्या हुआ, जब कोई आधिकारिक रूप से कांग्रेस या किसी की ओर से स्टेटमेंट नहीं आया है तो किसी एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया उसका बहुत अर्थ नहीं। लेकिन मुझको भी थोड़ी जानकारी जहां तक है उसके आधार पे कांग्रेस ने नहीं, किसी दूसरे नेता ने और पार्टी के एक नेता ने नीतीश जी के नाम की चर्चा की और उस पर कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला, और जब समर्थन नहीं मिला साइलेंस हो गया बैठक में, तो थोड़ी देर के बाद नीतीश जी ने अपनी लाज बचाने के लिए कहा कि हमको नहीं बनना है, तो यही उसमें हुआ है। लेकिन अगर संजय झा की बात को भी सही मान लिया जाए तो यह नीतीश जी को मालूम है अब कि प्रधानमंत्री पद तक जो रास्ता जाता है वह इंडिया गठबंधन होकर नहीं जाता है, इसलिए इस संयोजक पद का कोई मतलब नहीं है। दूसरा कारण एक और हो सकता है कि अगर संयोजक किसी तरह से खींच तान करके बन भी जाए नीतीश जी, तो उनके मन में यह भी भाव होगा कि एक मोरल बाइंडिंग हो जाएगी संयोजक पद पर रहते हुए, फिर अभी जो चर्चा है कि इस गठबंधन में रहेंगे कि उस गठबंधन में, तो यह स्कोप भी बंद हो जाएगा। एक नैतिक बंधन हो जाता है कि संयोजक होकर ही पाला बदल लिए, तो इस स्कोप को भी बनाए रखना चाहते हैं कि जब मौका मिले तो इधर से उधर भी चला जा सके, तो इन कारणों से ऐसा हुआ होगा। क्या लग रहा है कि अब नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी तो जिस इरादे से गए थे गठबंधन को उन्होंने तोड़ा और ऐसे जगह हाथ मिलाया जहां से वो एक बार वापस आ चुके थे। देखिए नीतीश जी अब बिल्कुल कहा जाता है कि जिसको कोई रास्ता नहीं दिखता है वह इधर से उधर भटकते रहता है, तो भटकाव की स्थिति में है, और इसका सबसे बड़ा कारण नीतीश जी खुद ही हैं। जिस स्थिति में अपनी पार्टी को उन्होंने पहुंचा दिया है, जो निर्णय उनके गलत हुए बिहार के संदर्भ में खास करके, तो उसके कारण से अब धीरे धीरे उनकी पार्टी का क्षरण होते जा रहा है। तो अब इतना कमजोर धीरे धीरे राजनीतिक रूप से नीतीश जी हो गए कि अब कहीं उनकी स्थिति मजबूत नहीं होने वाली है। क्या कहेंगे अगर आपको सलाह देना हुआ, अगर आपको कहीं मौका मिला कि चूंकि आप नीतीश जी के बहुत करीबी रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि कैसा स्थिति बने, कि आप क्या चाहते हैं कि वो फिर से एनडीए में आ जाए, ये आपका आपके तरफ से? देखिए एनडीए में आवे कि ना आवे इसमें तो नीतीश जी या फिर बीजेपी के बीच का मामला है, लेकिन कहां जाए अलग विषय है। सबसे पहले तो उनको यह जो उन्होंने बार बार कहा है कि बिहार का अगला नेतृत्व आरजेडी के युवराज के हाथ में, कम से कम इस स्टेटमेंट को वापस ले नीतीश जी, सार्वजनिक रूप से कहें कि गलती हुई है, जिससे से हम छुड़ाकर बिहार को बाहर लाए थे उसी के हाथ में सौंपने की बात करके नीतीश जी ने गलती की है, इस बात को सार्वजनिक रूप से उनको स्वीकार करना चाहिए और इस स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए, और उसके बाद फिर कोई रास्ता बने अलग विषय। आप क्या सलाह देंगे? आप भी चाहेंगे कि वो एनडीए में आए आपके सहयोग से या किसी और अन्य रास्ते? नहीं देखिए हम कोई इस पर सलाह नहीं देंगे। हाँ कभी ऐसी स्थिति अगर बनती है तो पहले भी हमने कहा है निर्णय एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, तो निर्णय अगर नीतीश जी का प्रस्ताव होता है आवेदन होता है तो बीजेपी के लोगों को निर्णय लेना है, लेकिन वैसी कोई परिस्थिति आएगी तो मैं नीतीश जी के पैरविकार के रूप में जरूर कोशिश करूंगा उनके लिए। आज फिर से 96,000 कुछ नौकरियां बांटी जा रही है शिक्षकों की गांधी मैदान में सार्वजनिक रैली करके एकदम। देखिए सब कुछ लुटाकर होश में आए वाली जो कहावत है वही है, इतने दिनों से 18 साल 19 साल इनका और बाकी पीछे 15 साल आरजेडी का, शिक्षा को तो बर्बाद कर दिया है,
अब गांव के गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जो शिक्षा की दुर्दशा है बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब अंत में आकर के थोड़ी भरपाई, इतने दिनों से लाखों शिक्षकों के पद खाली रहे, कितना नुकसान हुआ बिहार के बच्चों का। और अब भी जो कर रहे हैं, एक तरफ उप मुख्यमंत्री ने जब सरकार में नहीं थे तो वादा किया था कि हम भर्ती के बारे में इस तरह का नियम बनाएंगे कि बिहार के बच्चों को ही 90% नौकरी मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं नौकरी करने, आज दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं, बिहार में इतनी बेरोजगारी है और दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं, तो यह तो स्थिति है कुल मिला जुला कर। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, कुछ लोगों को नौकरी मिल रही है, लेकिन बहुत बर्बाद करके और तब इस तरफ आए हैं, वह भी बहुत ही एक तरह से कहिए कि ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन की तरह।